हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है कि वह बिंदु जिस पर टोटल मास को केंद्रित माना जा सके वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो इसकी पहले फीलिंग लेंगे, तब जाके हम आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। और इससे पहले हम बता दें कि जो अब तक हम लोग पढ़े हैं, जैसे एफ नेट इक्वल टू एम ए या पी इक्वल टू एम वी, तो जितना ऑब्जेक्ट था ये वी वेलोसिटी से जो गत किया यम मास का, तो यम मास ये कई पार्टिकल से मिलकर बने हैं, तो हर पार्टिकल का अलग अलग मानकर हम लोग ये फार्मूला नहीं लिखे हैं या ये फार्मूला नहीं आया है। तो यहां पे हर जगह ये माना गया है कि अभी मान लेते हैं कि टोटल मास एक ही पॉइंट पर केंद्रित है, मतलब जो न्यूटन्स लॉ इज वैलिड। यहां हम नोट में लिख सकते हैं, ये नोट में ये लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड only for point mass। तो ध्यान दें, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। तो क्योंकि जो बहुत पॉइंट मास के लिए ही न्यूटन का नियम वैलिड है, तो हर जगह वो पॉइंट माना गया। अलग अलग पार्टिकल का हम लोग मोशन वगैरह करते समय या ये गति करेगा, स्थिर रहेगा, जो भी कुछ रहेगा, तो हर जगह हर कण का अलग अलग हिसाब किताब हम लोग नहीं रखते हैं। हम मान कर चलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास यहां पर है, तो पॉइंट मास मानकर ही अब तक हम लोग काम किए हैं। तो आज से ये आपको ध्यान देना है कि अब नेट इज इक्वल टू एम ए या पी इज इक्वल टू एम वी जो हम लोग किए हैं वो अलग अलग पार्टिकल के लिए नहीं किए हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए टोटल मास को एक बिंदु पर सेंटर्ड मानकर चले हैं, एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर केंद्रित मानकर हम लोग चले हैं। हाँ, तो अब और कॉन्सेप्ट यहां पे हमको समझना चाहिए, इसका फील लेना चाहिए सेंटर ऑफ मास का। जैसे यूनिफॉर्म राड है, हाँ, इस यह लंबाई का राड है, इसका मास यम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा? जाहिर 100% बीच में पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास का सिंबल होता है RCOM, इस टाइप से हम लोग दिखाएंगे। तो जाहिर है कि 100% कहां मिलेगा? बीच में मिलेगा, मतलब एल बाई टू डिस्टेंस पर मिलेगा, यहां से या इधर से भी एल बाई टू पर, ये आपको यहां जानना चाहिए। और चलिए सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? वो भी सेंटर पे यहां मिलेगा। और जितने सिमेट्री वाले हैं उसका आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कहां पर मिलेगा। तो जैसे अब और फील करें, जैसे क्रिकेट की गेंद, वो स्पिन गेंद फेंकने वाला इस टाइप से गेंद को फेंकता है, तो गेंद आपका यूं आता है, स्पिन करते हुए वो चलता है, स्पिन करते हुए गेंद चलता है इस टाइप से, ये सब कुछ हर पथ अपना डिस्टर्ब होगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़े हैं, वो पैराबोला होता है। तो जो सेंटर ऑफ मास का पथ होगा वो हमेशा क्या होगा? पैराबोलिक ही होगा। तो ये चीज मैं कह रहा था, तो सेंटर ऑफ मास यही है। देखिए ये इसका पथ क्या है, हर जगह क्या है? पैराबोला है। जबकि ये इस टाइप से मोशन करते हुए, स्पिन करते हुए गेंद जा रहा है, या बल्ले से ही बल्लेबाज मार दिया तो भी वो गेंद इस प्रोजेक्टाइल पथ पर जा रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास का पथ पैराबोला ही होता है। तो इसकी परिभाषा देखा जाए, दैट पॉइंट एट विच इट्स टोटल मास कैन बी कंसीडर्ड सेंटर्ड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। तो वह बिंदु जिस पर टोटल मास को केंद्रित माना जा सके उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, देखें अगला हेडिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम देखेंगे। तो यहां पहले हम लोग फील्ड लेते हैं, जैसे M1, M2। इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? इसका सेंटर ऑफ मास वहां मिलेगा। अब यहां बैलेंस देखना पड़ेगा, जिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछता है, जिनका सेंटर ऑफ मास पूछता है, M1 M2 जैसे अलग अलग, ये आपस में मिलाया नहीं है, तो आप एक काम करिए, उनको आपस में मिला दीजिए, एक सिस्टम में ले आइए। आप M1 M2 एक सिस्टम हो गया, ये वन सिस्टम हो गया। अब सेंटर ऑफ मास देखिए बैलेंस कहां पे होता है, जहां पे वो संतुलन उसका बना रहे वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। अगर इफ ध्यान दें, इफ M1 इज ग्रेटर देन M2, तब तो सेंटर ऑफ मास जो है M1 की तरफ होगा। आधा डिस्टेंस आपका ये जिसे पड़ रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पड़ेगा। एक फीलिंग जो मन में आना चाहिए, हम वो बात बता रहे हैं। और अगर M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो जाहिर है सेंटर ऑफ मास हाफ वाले पॉइंट से कहां जाएगा, हाफ वाले पॉइंट से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तब यहां सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस टाइप की फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, मतलब जहां पर वह पॉइंट जिस पर टोटल मास को सेंट्रोइड माना जा सके, केंद्रित माना जा सके, उसी को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है, जहां से वो संतुलन में बना रहे सिस्टम। तो जिन दो पॉइंट का हमें सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है, वो हम करेंगे। तो ये रही आपकी फीलिंग, और मैथ के मेथड से भी आपको ये चीज जानना चाहिए। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, तो माना M1 M2 टू मास है, और इनको एक सिस्टम में हम ले लिए हैं, अब इनका सेंटर ऑफ मास कहां हमको मिलेगा ये बताना है। और ओरिजिन से ये R1 मान लिए हैं, R1 वेक्टर यहां पे है, और ये R2 वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास को RCM मान लिए हैं। तो इसका जो फार्मूला है सेंटर ऑफ मास RCOM बराबर है जो फार्मूला M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2, ये पोजीशन वेक्टर है R1, पोजीशन वेक्टर है R2, हाँ, अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आपका मेन फार्मूला है वेक्टर फॉर्म में। यहां x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों दर्शाया गया है। जाहिर है कि ये फार्मूला हो सकता है 2D में पूछा जाए, हो सकता है 3D में पूछा जाए, तो हम 3D मानकर चल रहे हैं। तो ऐसे केस में ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, 0 होगा, और या ये सब जो है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों निकाला जाएगा जैसे न्यूमेरिकल रहेगा। तो इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम लिख सकते हैं XCOM I कैप प्लस YCOM J कैप प्लस ZCOM K कैप, ये लिख सकते हैं RCOM के स्थान पे। हम अलग अलग एक्सिस पे डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो यहां भी इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं M1 R1 के स्थान पे X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप प्लस M2 हम लिख सकते हैं R2 के स्थान पे X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप अपान M1 प्लस M2। यहां से अगर आप देखेंगे तो जैसे यहां I कैप, J कैप, K कैप आप अलग किए हैं, वैसे यहां भी अलग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां करते हैं, आई कैप हर जगह इकट्ठा करते हैं, तो ये हो जाएगा M1 X1 यहां आई कैप, M2 X2 दो ही पद है, अपान M1 प्लस M2 तो सबके लिए लिया गया है, ये क्या हो गया आई कैप प्लस, अब की बार जे कैप इकट्ठा करते हैं, तो यहां लेंगे M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपान M1 प्लस M2 J कैप, M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपान M1 प्लस M2 यूनिट वेक्टर K कैप। तो इस टाइप से हमें लिखना था, हम इसे 3D मान, XY में रहता है तो केवल XY, ये वाला पोर्शन लिखा जाता है,
और एक्स वाई जेड तीनों में आए, थ्री डी में अगर ये है तो ये तीनों पोर्शन हम लिख लेते हैं। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग इट, इसे तुलना करेंगे हम, तो आई का गुणांक ये है, आई का गुणांक यहाँ पे ये है, तो आज से आपको फार्मूला एक्स एक्सिस में आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट में जो सेंटर ऑफ मास होगा फार्मूला, तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस, हाँ बस सॉरी, ये दो ही मास है, अपान एम वन प्लस एम टू, तो एक्स सी ओ एम, एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास ये होगा, एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई एक्सिस के लिए अगर आप देखें तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम वन प्लस एम टू। यस, फिर जेड एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू अपान एम वन प्लस एम टू, जेड एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास ये होगा। हाँ, तो अगर ये तीन कोऑर्डिनेट है, कभी कभी सवाल वेक्टर फॉर्म में भी लिखा रहता है, तब ये फार्मूला लगा देंगे, और जब वेक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेट पूछेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर केवल है, तब तो यहां दो से ही आपका, आपके इस फार्मूले से सेंटर ऑफ मास का पता चल जाएगा, और अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है तब आपको तीनों फार्मूला लगाना पड़ेगा, तब सेंटर ऑफ मास का आपका ये कोऑर्डिनेट आएगा, सेंटर आपके मास के ये तीनों कोऑर्डिनेट हैं जो आप निकाले हो, यहां पे रख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड में वेक्टर फॉर्म में यही लिखा जाएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला हमारा आया, वेक्टर आर सी ओ एम इज इक्वल टू एम वन वेक्टर आर वन प्लस एम टू वेक्टर आर टू अपान एम वन प्लस एम टू। अगर सेंटर ऑफ मास को सेंटर पे ले लिया जाए, तब जो आर सी एम आप लेते थे, ये सेंटर पे ही ये मास आ जाए, वही पिंड आ जाए एम वन एम टू, अब क्या करेंगे तब? तो ऐसी दशा में जब सेंट, जब ये यही आर सी एम हो जाएगा, हमारे सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, तो आर सी एम के स्थान पे क्या लिख लेंगे? जीरो रख लेंगे। सेंटर ऑफ मास अगर सेंटर पे ही आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए, तो ऐसी दशा में क्या होगा? कि आर सी ओ एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वन वेक्टर आर वन प्लस एम टू वेक्टर आर टू अपान एम वन प्लस एम टू, फिर गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो एम वन वेक्टर आर वन प्लस एम टू वेक्टर आर टू इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यस, या एम वन वेक्टर आर वन बराबर माइनस एम टू वेक्टर आर टू, ये हो जाएगा, या एम वन आर वन बराबर एम टू आर टू। मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में एम वन आर वन बराबर एम टू आर टू। इससे पहले मैं बता, ये तो देखिए बहुत जरूरी फार्मूला निकल गया, यहां से आपको संतुलन बना के चलना चाहिए। अब ये जो ओरिजिन ले रहे हैं, ओरिजिन आप कहीं भी ले सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। जैसे यही मास इस टाइप से देखें, क्या फार्मूला फिर देखें, यही एम वन एम टू, तो अब की ओरिजिन को यहां मान लीजिए एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये एम वन है हमारा, ये हमारा एम टू है, इनके बीच की दूरी कितना है? इतना है। अब इसका सेंटर ऑफ मास हमको चाहिए, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? अब यही कहीं बीच में मिलेगा। अगर एम वन ज्यादा होगा तो आधे से अंदर की ओर शिफ्ट होगा, अगर एम टू ज्यादा होगा तो आधे से उधर शिफ्ट होगा। ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास कहां है हमें जानकारी भी नहीं है, तो केवल एक्स एक्सिस से यहां मतलब है, सेंटर ऑफ मास तो एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा इस दशा में, वाई एक्सिस वाला तो जीरो है। हाँ, तो यहां देखते हैं, तो एक्स सी ओ एम बराबर एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपान एम वन प्लस एम टू, ये तो हमारा फार्मूला होता है। इसका कोऑर्डिनेट आप देखिए, इसका कोऑर्डिनेट जीरो जीरो हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर जीरो, ये चीज यहां पे आ रहा है आर जीरो। हाँ, तो एक्स सी ओ एम ये ज्ञात करना, एम वन मालूम है, आर वन
जीरो खत्म हो गए। एम टू है, आर टू, आर टू आर है, अपान एम वन प्लस एम टू, बहुत कीमती चीज यहां पे आपको मिला है। तो ये हो जाएगा एक्स सी ओ एम बराबर एम टू आर अपान एम वन प्लस एम टू। ध्यान दें, ये बहुत ही कीमती चीज मिला है यहां पे। इस टाइप के केस में सेंटर ऑफ मास जो होगा, यहां से देखिए एक्स सी ओ एम, यहां से सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहां कहीं मिल रहा है, ये टोटल डिस्टेंस आर हमको दिया है, टोटल आर, तो यहां सेंटर ऑफ मास है, तो ये कितना है, यहां से ये एक्स एक्सिस यहां ये आया एम टू आर अपान एम वन प्लस एम टू, इतना सेंटर ऑफ मास है। ध्यान दें, एम वन से जब यहां पे सेंटर ऑफ मास आया तो हम देख रहे हैं कि एम टू आर बटे एम वन प्लस एम टू आया, ये चीज आया। और अगर एम टू से इधर से ज्ञात करते, इधर से सेंटर ऑफ मास लेते, तब क्या आता है सेंटर ऑफ मास की दूरी, तब आता है एम वन आर अपान एम वन प्लस एम टू, ये चीज आता है यहां। तो ये चीज ध्यान देना चाहिए, ये बहुत कीमती फार्मूला हो गया। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एम वन अगर कहा जाए, एम वन से कहा जाए तो एम टू आर बटे एम वन प्लस एम टू, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एम टू, तो ऐसे केस में एम वन आर अपान एम वन प्लस एम टू होगा। तो इस फार्मूले का हम लोग न्यूमेरिकल में प्रयोग करेंगे। हाँ, तो यहां हम लिख देते हैं फ्रॉम एम वन, फ्रॉम एम वन, तो एक्स सी ओ एम बराबर हो जाएगा एम टू आर अपान एम वन प्लस एम टू, यहां कहेंगे फ्रॉम एम टू, तो ऐसी दशा में सेंटर ऑफ मास हो जाएगा एम वन आर अपान एम वन प्लस एम टू। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है, इस पर गौर किया जाए और इसे आप लोग नोट कर लें न्यूमेरिकल के लिए। यस, तो न्यूमेरिकल के लिए उसे नोट कर लें, तो इस सब का उपयोग होने वाला है। जैसे इसको समझने के लिए यहां पे देखिए, अगर दो दो मास है इस टाइप से दिया है, ये 2 kg और ये 3 kg मान लेते ऐसे। अब इसका कोई सेंटर ऑफ मास पूछे, सेंटर ऑफ मास पूछे और इसकी बीच की दूरी क्या दे दे, कैपिटल आर दे दे, वो कहे सेंटर ऑफ मास बताइए, तो 2 kg से सेंटर ऑफ मास अगर आप टोटल दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस अगर आपको मालूम है, 2 kg से आपसे सेंटर ऑफ मास पूछता है, तो आर सी ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, आर सी ओ एम 2 kg से पूछ रहा है, 3 kg का प्रयोग करेंगे, 3 × R, 3 × R बटे एम वन प्लस एम टू, 3 × 2 = 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 3 kg से। 2 kg से अगर कोई सेंटर ऑफ मास पूछे फ्रॉम 2 kg, तो आप ये जवाब देंगे आर सी ओ एम, 3 kg से कोई पूछे तो आपकी बार 2 प्रयोग किया जाएगा, 2R/5 फ्रॉम 3 kg। ध्यान दें, इस टाइप के फार्मूले के लिए, कंसेप्ट के लिए आप हमेशा सतर्क रहेंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल पार्टिकल सिस्टम, तो कई पार्टिकल है, M1, M2, M3, कई पार्टिकल है, 3D में दर्शाया गया, तब फार्मूला क्या होगा, तो कुछ नया नहीं होगा, बस वही होगा, थोड़ा सा देख लिया जाए, आर सी ओ एम सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस M3 वेक्टर R3 प्लस 1 अपान M1 प्लस M2 प्लस M+1, मतलब कई मास दिए हुए हैं, कई मास है, सबके कारण सेंटर ऑफ मास अगर आपको ज्ञात करना है तो सबको सिस्टम में ले आइए, एक सिस्टम में हो जाएगा। अब उनका सेंटर ऑफ मास 2 से ज्यादा टर्म वाले का भी ज्ञात किया जाए, तो फार्मूला सबको सबका वही है, तो इसे एक्स वाई जेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा ये लिखिए, एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप, वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप, प्लस जेड सेंटर ऑफ मास के कैप, इधर ये हो जाएगा
और इस साइड में देखिए M1 R1 के स्थान पर लिखना है, M1 आपका R1 के स्थान पर लिखना है, X1 I कैप, Y1 J कैप, Z1 K कैप, ये तो हो गया R1 के स्थान पे। M2 R2 के स्थान पे आपको लिखना है X2 I कैप, Y2 J कैप, Z2 K कैप, ये लिखना है। और फिर लिखना है M3, एक और दर्शा देते हैं, तो M3 लिख लिए तो यहां हो जाएगा X3 I कैप प्लस Y3 J कैप प्लस Z3 K कैप। यहां तो XYZ ही लिखना है, XYZ हमेशा लिखना है, IJK 3 रहेगा। अब M3 के बाद क्या आएगा, M4, इस टाइप से सिलसिला चलता रहेगा। अपान क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3, इस टाइप से। तो यहां से देखते हैं, इसको लिखते हैं, यहां से हमको चाहिए यहां पे, जैसे यहां IJK के टर्म है, इधर भी हमें IJK के टर्म में चाहिए। तो पहले हम आई को देखेंगे, आई का कोफिशियंट जितने हैं सब इकट्ठा कर लेते हैं यहां से वहां तक, तो ये हो जाएगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस वन अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस वन, इतना कह देंगे आई कैप हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार कहेंगे आपकी जे वाले को इकट्ठा करेंगे तो जे का गुणांक, तो M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस वन अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस वन, तो ये हो जाएगा J कैप। तो क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, हाँ, इसी प्रकार अब की बार K कैप को इकट्ठा करेंगे सबको, K कैप वाले टर्म को, तो Z1 Z में आएगा, तो M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 प्लस 1 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस 1, ये हो जाएगा क्या, K कैप, कितना हो जाएगा। कंपेयरिंग इट इसे हम जब तुलना करेंगे तो ऐसी दशा में आपका मिल रहा है XCOM बराबर M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस वन अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस वन, ये फॉर्मूला ये मिल रहा है आपका XCOM। वाई देखिए, YCOM Y कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास कितना मिलेगा, तो यहां से मिल जाए, वाई वाले तुलना किससे करेंगे, इससे ये वाला करेंगे, तो M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस सोन अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस सोन एंड ZCOM बराबर है M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 प्लस वन अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस वन। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।